एक दांत अगर हमने चॉकलेट ना खाई होती ज्यादा तो खर्चा ऐसा हुआ कि सबसे पहले ये गई डेंटल सर्जन पे, बहुत बड़ा ट्रिप आ रहा है, कब निकालने निकाल दूं डची। सो हम भाई देखने आए हैं कि आज एक दो घर ले लें, यहाँ पे आए हैं तो चल फिर एक दो घर ही ले लिए हो। और ये एरिया वेस्ट में है लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये वीडियो तो यहीं से स्टार्ट करता है हमेशा। अब मैं क्या करूं, मैं ना तैयार होकर आता हूं, फिर ऐसे आता हूं और खिड़की के आगे वीडियो स्टार्ट करता हूं। कर देते हैं स्टार्ट। हेलो जी, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे फ्राइडे इवनिंग अबाउट 6:45। फ्रेंड ने इन्वाइट करा हुआ है कि घर पे आए, मैं बहुत टाइम से टाल रहा था तो इस बार ही मैं ज़्यादा नहीं टाल पाया। वो कहता है कि नहीं, अब आप जरूर आए, उसने नया घर बाय करा है। सो वी आर गोना गो एंड विजिट हिम एंड हैव सपर विद देम। सो फ्राइडे वर्क्स ग्रेट क्योंकि अगले दिन आपको पता ही है वीकेंड है। और घर में आज भाई साहब, आज घर में जो हुआ है क्या बताऊँ आपको क्या हुआ है। एसी चल गया जी, गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, एसी चलाना पड़ गया। घर में सब खिड़कियाँ विड़कियाँ बंद मैंने कर दी थी, एसी चल रहा है, कि खिड़की कोई खुली रहेगी, हमें पता लगे कि ठंडी हवा आ रही है और बाहर जा रही है। ठंडी हवा मेरे को लग नहीं रहा, ठंडी हवा आ रही है, पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है। कहीं एसी खराब तो नहीं हो गया नेहा, एसी खराब तो नहीं हो गया? मेरे को सच में मेरे को ठंडी हवा नहीं लग रही उसमें, हाथ रख के ऐसे ऐसे करके देख रहा हूँ मैं ऐसे ऐसे, लेकिन ठंडी हवा लग नहीं रही मेरे को। हॉट बड़े हो ना, टाइम तो आने लग रहा नहीं। अच्छा मैं हॉट हूँ? हमारे तो अंदर से आगे निकल रही है आगे। चले ये जी देखो जी, राउटर ये नेटवर्क स्विच था, ये जो लगा हुआ था ये मैंने फेस्टल का वापस कर दिया। आई नेवर थॉट ऑफ इट, ये तो हम डिसाइड करते ही नहीं। चलो जी, इस बारी पहली बारी ऐसा हुआ है हमारे ना कितने सालों में कि ये पूरा भर गया, नहीं तो हमेशा ये थोड़ा ख़राब रह जाता है। ये पिछले हमने ना पिछले साल नए पेरिनियल्स इस पे लगाए थे, तो पिछले साल दो तीन साल, अब जाके दो तीन साल लगे हैं इनको सेटल होने में। और ये वाला पेड़ तो बढ़िया कर ही रहा है, घास की नहीं सोनी हुई पड़ी है इस बारी, अब घास काटनी भी है यार। चलो कांटे के चले। ओहो, गाड़ी बड़ी टाइट हुई है सीट तो। जी चल पड़े हैं, गाड़ी में बैठ गए, गरम गरम गाड़ी में बैठ के कैसा लगता है? वैसे ही लग रहा है बिल्कुल अभी। गाड़ी सही है, सर्दियों में ठंडी गर्मियों में गर्म। हाँ, एनू करिए उत्ते। तो जी बस जा रहे हैं दावत खास पे, तो बड़ा अच्छा लगता है ना जब दावत पे जाओ कहीं पे, जब खुद काम ना करना पड़े तो बड़ा ही मजा आता है। इवन तो कोई आए तो मजा आता है, लेकिन स्टिल आप जब तैयार श्यार होके सिर्फ मस्ती मारने गप्पे मारने दोस्तों के घर जा रहे होते हो तो उसका मजा आ रहे होते हैं, तो सफाई पे टाइम पूरा निकल जाता है। हाँ, आज बेचारे किसी और के घर सफाई हो रही है, आज किसी और के घर सफाई हो रही है, ये तो विशेष सर्कल है, ये तो होना ही है, कभी इधर कभी उधर। तो जज जी कह रहे हैं कि ये विशेष सर्कल है, जस्ट इन केस आपने सुना ना हो मैं रिपीट कर दूं कि ये विशेष सर्कल है। आज उनके घर हम जा रहे हैं, वो बेचारे लगे होंगे, कल वो हमारे यहाँ आएंगे, हम लगेंगे, तो यही है फंक्शन लाइफ का। तो बस जी चल पड़े हैं, आज काफी हद तक समर का आगाज हो गया है। नाउ वी कैन से दैट वी आर इन टू प्रॉपर समर मंथ्स। एक बार चेक कर लो तुम गैराज का कैमरा। जस्ट जी एज यूजुअल डाउट में डाल देते हैं कि दरवाजा बंद था या नहीं। तो बस जी बहुत अच्छा लग रहा है अपना इंडियन वेयर पहन के अपने फ्रेंड्स के घर जाना। तो जी अब हम वापस जा रहे हैं घर पे, क्योंकि जस जी ने हमारे मन में शंका डाल दी है कि शायद गैराज खुला हो। का कैमरे एक जहाँ प्लग इन हुआ था ना, मैंने वो उतार के अपना वो नेवर, यू शुड नेवर डू दैट। कैमरा ऑन होता अभी देख लेते। मैंने चार्ज लगा दिया था वो गाड़ी का चार्जर, उस दिन जब मैं मेरी बाइक की इलेक्ट्रिक ली थी ना उसका चार्जर लगाया था। तो जी अब वापस जा रहे हैं चेक करने। तो जी गैराज को चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गैराज में हमारे बहुत कीमती कीमती टूल्स हैं, इलेक्ट्रिक बाइक है। बंद है जी, बंद है, शुगर है रब का। लेकिन जस जी का काम है पुलेखे चढ़ पाना सर। हाँ जिसका भी है, जस जी कह रही जिसका भी घर है बहुत अच्छा है, वो भी निकले अपने घर के आगे से। मैंने कहा जिसका घर है। हाँ तो जी गर्मियों का आप लोग क्या कर रहे हो बताना, कोई फंक्शन कर रहे हो, कोई जा रहे हो नान के दाद के छुट्टियों में जा रहे हैं बच्चे? आई थिंक इंडिया में तो स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, छुट्टियां ओवर, ऐसे जाएंगे लोग नान के दाद के। इंडिया में तो स्टार्ट हो गए हैं स्कूल, लेकिन क्या क्या किया आपने इसी बात पे बता दो, समर की छुट्टियों में बच्चों ने और बड़ों ने अगर कहीं घूमने शूमने गए हो तो आइडियाज दे दो हमें भी।
तो बस हम तो अब हमारी तो छुट्टियां अभी एक हफ्ता भी नहीं हुई स्टार्ट हुई है आड़िया की, तो हम बस प्लान बना ही रहे हैं। कपल जगह है जहाँ हमारे यू नो शॉर्ट लिस्ट हमने करके रखी हुई है, तो रब सुख रखे जाएंगे तो आपको बताएंगे। बाकी आड़िया बड़ा फन करती है, आड़िया बहुत चीजों में उन्नति कर रही है, आगे समर में आपको बताएंगे, आगे आगे की वीडियोस में आप देखोगे। हमने शॉपर ट्रक मार रुके हैं और हैम्पटन में, और हैम्पटन के एरिया में इधर आके ना मेरे को बड़ा ज़्यादा इमोशनल होता है, क्योंकि यहीं पे हमने अपना घर की जो हाउस हंटिंग है ना यहीं से शुरू करी थी, और ये एरिया वेस्ट में है लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगता है, और ये बड़ा साफ सुथरा एरिया है। लोगों को लगता है सैस्कटून का सिर्फ ईस्ट ही अच्छा है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, लेकिन वेस्ट बहुत अच्छा है। आप ये लगा लें ये सारे घर यहाँ से लेके ये सारे हमारे सामने बने हैं, ये शॉपर्स हमारे सामने बना है, वो जो पीछे स्कूल है वो हमारे सामने बना है। हम लोग सबसे पहली बारी सैस्कटून में जब घर ढूंढना शुरू कर रहे थे ना, तो हम यहीं आए थे, यहीं पे हमारे को जो है घर देखा था हमने, और तो उस टाइम पे यहाँ पे घर इतने सस्ते थे, और ये ना नया एरिया बन रहा था हैम्पटन, और ये एरिया मशहूर था उस टाइम इंडिया एंड पाकिस्तान के लिए, इंडियन और पाकिस्तान जितने लोग आते थे यहाँ वहां से वो यहीं पे आते थे सीधा, क्योंकि जब भी एक नई कॉलोनी बसती है ना सबसे ज्यादा जल्दी घर उसमें इमिग्रेंट ही लेते हैं, क्योंकि बाइंग पावर में होती है, हम मेहनती होते हैं, वेचन वाले भी देसी, लैन वाले भी देसी, बिल्कुल, और देसी वाले भी देसी, खरीदन वाले भी, वही ना रियल्टर भी देसी, अपना ये अपने ये सारा अपने कहते हैं ना दिस इज आवर, ये हमारी वो है स्पेशलिटी, पहचान है एक ने लोग की, तो एक लोग हमारे लोगों ने तो चार तर घर लिए हुए हैं, सो हम भाई देखने आए हैं कि आज एक दो घर ले लें, यहाँ पे आए हैं तो चल फिर एक दो घर ही ले लिए, हो सब नु पता है तुझे घर नहीं लेना, ऐसे ही बोलते रहते हो, बस चीप आदमी हो एकदम, चीप तो नहीं हो जस जी, चीप तो हम बहुत है, आई एम वेरी चीप, यू नो दैट, यू वुडंट हैव बॉर्न मी एन इलेक्ट्रिक बाइक इफ यू वर चीप, ऐसे है थोड़ी इलेक्ट्रिक बाइक तो सब चीप, तू ये पकड़ मैं बैठ लाऊं। तो जी हम आ गए अपने फ्रेंड्स के घर, और फ्रेंड्स के घर देखो कितने सारे प्यारे प्यारे खाने लगे हुए हैं, टेबल की प्रेजेंटेशन देखो, मज़ा आ गया था देख के, बहुत ही सुंदर प्यारा एकदम क्यूट लिटिल हाउस था इनका, बहुत अच्छा। तो जी बस नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई, और मॉर्निंग की शुरुआत हुई, आर्या डिशवॉशर खाली कर रही थी, शी वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी बाय अनलोडिंग ऑल द डिशेस, एंड सारे बर्तन अपने अपने ठिकाने लगा रही थी रसोई में, तो नाउ शी इज़ बीइंग यू नो सो रिस्पॉन्सिबल समर में, साथ साथ नाश्ता कर रही है मैडम, साथ साथ अपना दाना चुग रही है, साथ साथ अपना काम कर रही है, और सारी अपना चीज़ें अपनी अपनी जगहों पर वापस डाल रही है ड्रॉअर्स में कैबिनेट्स में, तो ये बड़ा ही मुझे आराम हो गया है इस समर में, बहुत सारे कामों में मुझे मदद करने लग गई है लाडो, तो रब सुख रखे ये चीज़ अच्छी है, शी डजंट से नो, डेफिनेटली शी लुक्स फॉरवर्ड टू हेल्प मी, ये इसी की परमानेंट ड्यूटी है, डिशवॉशर खाली करना, लॉन्ड्री को तय लगाना, हर वीकेंड यही करती है ये काम, और डिशेस तो चलो रोज़ ही करती है, बट शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबली हैंडलिंग ऑल द टास्क, तो बस जी यही चल रहा है अभी सुबह का कार्यक्रम, अभी तो बस हम लोग कल रात को बहुत अच्छा डिनर करके आए अपने फ्रेंड्स के साथ, इतनी देर तक गपशप लड़ाई, 12 बज गए रात को आते हुए, तो बहुत अच्छा लगा। बस अब नाश्ते की तैयारी होने वाली है थोड़ी देर में, घर वापस आ गए हैं, आप सोच रहे होंगे गए कहाँ थे ये, कब गए, लेकिन बस हम ऐसे क्विक राउंड करने गए थे, आइया को कुछ सामान लेना था तो वो लेके आए, और मैं आपको बताऊं 2 मिनट भी नहीं लगे हम लोकैलिटी में गए, अपनी कम्युनिटी में गए थे, और हाथ सड़ गया, इधर वाला पासा जहाँ जहाँ धूप पड़ रही थी वहाँ पे हालत ख़राब हो गई, ओहो हो एनी तो सड़ गया सड़, मैं आई हूँ चाती मारन अपने प्लांट्स नू वधिया ने, लेकिन ये धूप में आप बाहर नहीं जा सकते, इतनी धूप है तो इट्स नॉट गुड, तो सनस्ट्रोक होने वाली धूप है, गैराज इस टाइम बड़ा ही ठंडा ठंडा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। घर आके नाश्ता बनाया जाए, बज रहे हैं 11, तो बस जी फटाफट अपना वही जो हमारा रेगुलर नाश्ता होता है ब्रेड एग्स कॉफ़ी करें फटाफट, नाड़िया भी डैडा कहाँ है, डैडा पता नहीं गुम है हमारे डैडा, ही इज टेकिंग हिज स्वीट टाइम नहाने वहाने में सब कुछ है।
ये हमने कॉफी फिल्टर डालना है। कॉफी डालेंगे जज जी, क्योंकि जज जी अपने हिसाब से डालते हैं कितनी कॉफी स्ट्रॉन्ग बनानी है, तो वो यहाँ पे ग्राइंड करेंगे या यहाँ पे अगर हुई तो ठीक है, नहीं तो ग्राइंड करके फिर डालेंगे। एंड हमारे यहाँ पे प्लेटा शेटा लग गया ने, हम स्टार्ट करिए द फन। आ गई जी, आ गई आ गई। आप सोच रहे होगे क्या आ गई, गर्मी आ गई, भयंकर गर्मी, पर्दे आ गए, दरवाजे बंद, क्योंकि एक पत्ता नहीं झेलता ब्याज के बाद। पूरी रात एसी चला है, मैं हाँ एसी चला है पूरी रात, ऐसा कैसे हो गया यार अचानक। मेरे को तो बड़ा लग रहा है कि इतनी गर्मी कैसे हो गई अचानक। वो हमारे सामने वाले ने जे उन्हें भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं जे किया तो कर छोड़ो, प्रॉब्लम ये है गर्मी हो गई। आप तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, आप देख लो सस्कैचुअन में सिर्फ ठंड नहीं पड़ती गर्मी भी पड़ती है। गर्मी से मैं अच्छा लगता है मेरे को, लेकिन ना मेरे को थोड़ी टेंशन भी हो जाती है कि पानी का बिल ज़्यादा आएगा। स्प्रिंकलर सवेरे सवेरे इन्होंने चला दिए हैं। अब ये देखो थोड़ी थोड़ी जो घास के ऊपर ना ड्रॉप्स हैं पानी की, वो स्प्रिंकलर चले हैं अभी हमारे, अब बंद करे हैं। ये एक टाइम आया था ये वाली ग्रास मैंने सारी ख़राब कर ली थी, उसकी मैंने पिक्चर भी क्लिक करके रखी थी मैंने, अब नहीं है मेरे पास। लेकिन ये नेहा ने पूरी ग्रास रीग्रो करी है। नेहा आपको पता है बहुत टैलेंटेड है। आई एम सो लक्की टू हैव नेहा, सच अ टैलेंटेड वाइफ, वेरी नाइस, बड़ी ही समझदार लड़की है। कभी कभार थोड़ा कुछ कहाँ गई, यहीं पे सुन रही है, वो है नहीं, है नहीं, सुना नहीं उसने, कोई फायदा नहीं हो यार। दरवाजे खुले हुए हैं, फिर कहो के नाश्ता बनाना है तो स्मेल चली गई है कमरों में। दरवाजे तो बंद कर छड़िया करो, वो वी ऑलवेज मेक श्योर कि जब बनाए ना कुछ किचन में तो दरवाजे करके बंद कर दें, क्योंकि फिर नहीं तो स्मेल वगैरह अंदर कमरों में कुकिंग की चली जाती है। हाँ जी, बुलावा आ गया जी, चलो बुलावा आया है। ओ तेरी पखे ऊपर बिल्कुल ऐसा हुआ पड़ा है, गुम गुम सा। नहीं अंदर देख कूड़ा कितना मचा पड़ा है, बहुत मचा पड़ा, बट मैंने जगह बना ली। ओ देख के गिर ना जाए, ये देख कितना कूड़ा मचा पड़ा है यहाँ पे। टैची निकालने का टाइम भी आ रहा है, कब निकालने, निकाल दूं टैची, कितने बड़े निकालने हैं, क्या साइज करना है, कैरी ऑन करना है, चेक इन करना है, ये प्लानिंग कब होगी। वी हैव वेरी फ्यू डेज लेफ्ट नेहा, ध्यान से उठाना, वेरी फ्यू डेज लेफ्ट। चैचिन ने मेरे पास काम पता कितने हैं लाइफ में। ओहो हो, ये देखो हालत ने, मत निकाल सारे, इतने पंखे की तो जरूरत भी नहीं है, चाहिए रूमों में भी चाहिए और लिविंग रूम में चाहिए, डाइनिंग रूम में चाहिए। डाइनिंग रूम में कहाँ रखते हैं हम, तो रखते ही नहीं है, टीवी के नीचे रखते हैं, आप भूल गए हो, ध्यान से गिर ना जाए वस्तु, ये लो गिर गई तो अभी नाश्ता भी नहीं बना हमारा। आप बनाओगे नाश्ता, हम तो बैठेंगे टांग पे टांग चढ़ाकर। ये लो जी रिमोट भी उतने ही होंगे ना, रिमोट कहाँ है मेरे पास, हो रही है हाँ ऊपर ही पड़े होंगे, रिमोट तो हमने कभी भी नहीं रखे, ड्रॉर्स में, हाँ ड्रॉर्स में होंगे। छोटा वाला कहाँ है जो ऑफिस रूम में है, वो तो वहीं पड़ा था ऊपर ही, ऊपर नहीं है वो तो, वो अलमारी में नहीं पड़ा ऊपर। टैची कब निकालने हैं, टैची तो निकाल लेती, अभी तो टाइम है जज जी, नहीं है टाइम, पता तेरे को तीन दो वीकेंड रह गए बस, नया जाने में कोई टाइम नहीं है। डराओ ना मुझे अब, एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर, बहुत बड़ा ट्रिप आ रहा है, बहुत जल्दी डिटेल्स टू फॉलो, बहुत बड़ा हमारा एक ट्रिप आ रहा है, उसकी जो है डिटेल्स आपसे साथ शेयर करेंगे बहुत जल्दी, और इस बार हाँ जैसे वादा किया है पहले जरूर बता देंगे आपको। मैं अभी जरा जो है पंखे लेके जाऊं ऊपर, एक पंखा यहाँ लगा दिया है, ये कपड़े फेंकने वाले हैं। एसी घर में हर वेले चल रहा है जी, एसी भी ऑन है, कूलिंग ये बड़े कम देखने को मिलते हैं ऐसे दिन जब कूलिंग लिखा होता है, यहाँ वैसे हीटिंग लिखा होता है। एक पंखा ऑफिस रूम में भी छोटा निकल गया है, कहाँ गया, अभी तो निकाला था बाहर, देखते हैं चलो, अच्छा बाहर ले गए। एक मैंने इसके बेडरूम में कर दिया, दरवाजे तो बंद कर दिया, नाश्ता बनाना है। और तो इवन तो घर में एसी है और लेकिन पंखे चलाओ ना तो जल्दी फर्क पड़ता है, जल्दी ठंडा होता है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है वो एसी भाई साहब उसका जो है ठंडा करते करते बहुत टाइम लग जाता है। Pretend that it doesn't matter that you're with someone else. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better.
you are not with me. That's why I wrote you a letter, 'cause you see I write so much better than I speak, and I need to tell you, you were my best friend till the end. उन्हें उन्हें हादसा होते होते हो गया, मतलब आप ये समझ लो नया जी कलप गई है बहुत तगड़ा। क्या हो गया नया बता दो दे। मैंने कहा सामान समेटो, नाश्ता बन गया है, सामान समेटने के लिए मैंने कहा ये अंदर रखो, ये अंदर रखो, ब्रेड और बटर बाहर। मैंने कहा बटर काम क्या सारा लोग क्या, ये बटर की ना डब्बी जो बटर की जो है ये बाहर पड़ी है। ये कहती है बटर कहाँ है, बटर सारा खत्म हो गया है। मैंने कहा नहीं, बटर तो मैंने फ्रिज में रख दिया। अब हमें आदत नहीं, हमें लगता है कि बटर को तो फ्रिज में ऐसे ही रखना होता है। ये पता नहीं कांच की बोतल कहाँ से ले आई है, कांच की बोतल कहाँ से नहीं ले आई, ये बटर की बॉक्स होता है जो तुम्हें नहीं पता। हमें क्या पता, हमें नहीं पता ये सब। मैं तो बटर तरता जी एन जी, देखो ये रहा, ये बटर ऐसे तर दिया मैंने इधर। ये कैसे रखना होता है, इसके अंदर आता है कि इसके अंदर ढक्कन है इसका, ये बेस है और फिर ये इसके ऊपर है ऐसे। ये बेकार है जी, इसका मतलब आप ये मत लेना, हमने गलती जो कर दी आप ना करना। इसको इजी रखना, बटर को उठाना, सॉरी बटर को उठाना और सीधा डाल देना फ्रिज में। अरे हो, ब्रेड तो टोस्टर में डाली ही नहीं। ये लो जी आपका स्क्रैम्बल्ड एग, दूध एंड ब्रेड, खाओ तो साड़ी जान ना खाओ। डैडा का एक्चुअली मन कर रहा है ना रूह अफ़ज़ा वाला दूध पीने का। मीठा बहुत होता है। हाँ यार, लेकिन स्वाद बहुत होता है। क्या करें, जो जो चीज स्वाद होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्दी नहीं होती। तो मन मारो मत, सोचो आंखें बंद कर लो। ऐसे क्यों होया है? अच्छा ऐसे कुछ नहीं हुआ, ग्रीन लाइट नहीं जली। विलंब है, क्यों है नाश्ते में? टाइम देखिए 11:30 हो गए हैं। ये ब्रंच है ना? ब्रंच ही है वैसे तो। फटाफट खोलो खुल जा सिमसम, मेरा तो दे दो भाई, बहुत भूख लग रही है। जस जी कॉफी डाल दूं तेरी, मैं कॉफी डाल के आता हूँ। बाकी अपना ड्राई फ्रूट्स भी खाएंगे साथ। ये मैं इंडिया से लाई थी अपना 4 वाला जो है ना ये बॉक्स, तो यहाँ पे भी मिलता है। यहाँ के लिए मैंने नमकीन वाला यहाँ से लिया था। तो बस जी खाएं, बड़ी देर हो गई है। मैं ना आजकल नट्स खाने का मेरे को थोड़ा औखा लगने लग गया है, क्योंकि मेरा दांत का इलाज हुआ है रिसेंटली ना, डॉक्टर पे गई थी मैं, डेंटिस्ट पे। तो मेरा एक बहुत पुरानी दार थी इधर लेफ्ट वाले पास, जो रूट कनाल होनी थी, तो वो मैंने करा ली थी, बहुत बहुत साल हो गए। लेकिन अब उस पर फिर से रीट्रीट करवाना था, तो बड़ा ज्यादा लंबा प्रोसीजर था, क्योंकि इट वॉजेंट लाइक जस्ट रूट कनाल, क्राउनिंग भी थी उस पर। तो क्राउन रिमूव करा उन्होंने, फिर से रीट्रीट करा, अब ये हील हो रहा है। अब अगले हफ्ते मैं जाऊंगी और फिर से न्यू क्राउन परमानेंट वाला लगवाऊंगी। खर्चा बहुत हो गया लेकिन, तो लेकिन आप बिलीव नहीं कर सकते कितना खर्चा हुआ है। खर्चा बहुत तगड़ा हुआ है डेंटिस्ट के इलाज का, जैसे कि आपको पता है। मैंने बताया नहीं था आपको, 3200 तुम्हें बताया था मैंने, 3200 टोटल, 3200 सिर्फ मैंने क्लेम करा। इसके सबसे पहले तो आप ये लगाएं खर्चा, अगर मैं आपको हिसाब दूं ना इसके डेंटिस्ट का इलाज का। लोग सोच ही रहे होंगे बड़े दिन हो गए जज जी ने खर्चे की बात नहीं करी। मैं तो हर वीडियो में खर्चे की बात करता हूँ। तो खर्चा ऐसा हुआ कि सबसे पहले ये गई डेंटल सर्जन पे, सर्जन ने इसके दांतों में वो जो फिलिंग थी हटाई और रूट कैनाल करी। उसका उसका बिल था 1995 $1,995। टिंग टॉन्ग। एंड देन उसके बाद ही कहती है अभी गई अपने डेंटिस्ट पे, वो कहती है कि क्राउन का काम मैं करूंगी। तो उसने अभी जो क्राउन का काम करा है उसका हमें बिल बना के दिया है 1555 $1,555 फिगर देते हैं आपको याद के रखे। सो 2000 से 1500 तो आप लगा लो $3500 का बिल है एक दांत। अगर हमने चॉकलेट ना खाई होती ज्यादा और आइसक्रीम ना खाई होती, बचपन की बातें हैं। तो एक ही दाढ़ है मेरी जो इतना तंग कर गई है,
तो वो एक्चुअली तंग नहीं किया था उसने 15-20 साल से, अब जाके तंग हुआ है। नहीं तो मैं यूजुअली सिर्फ क्लीनिंग करवाने जाती हूँ और आ जाती हूँ। आर्या की भी सेम स्केड्यूल है, जस जी को भी मैंने भेजा था पीछे क्लीनिंग के लिए। मैंने बताया नहीं, मैं पहली बार याद रखी। हाँ तो इसीलिए वो एक दाढ़ है जो मुझे इतना तंग कर गई है, जिसकी वजह से यू नो ऑल दीज बेनिफिट्स एंड एवरीथिंग हैव बीन फुली यूटिलाइज्ड कुछ महीनों में। मेरे तो खत्म, उन्होंने हाथ जोड़ दिए मेरे गाँव को। उन्होंने एक को बार दिल था क्या, उन्होंने पैसा दिया, कहते हैं भाई साहब इससे ज्यादा हम इसके लिए नहीं दे रहे, हमारे पड़े हुए अभी और पैसा, मतलब फैमिली कवरेज है ना ऑफिस से जो तो, बट सारा कुछ कर बेनिफिट होना, हाँ डेंटल बेनिफिट होना बहुत जरूरी है। और लेकिन एक बात बताऊँ आपको, हमारे पूरे पैसे कवर हुए, ऐसा हमारे पल्लियों कोई भी नहीं गया, सारे बेनिफिट में ही से ही निकल आए हैं। मेरे को पहले लग रहा था एक्चुअली मैंने क्लेम डाला, वो क्लेम उन्होंने इतना कम दिया, मैंने कहा ये क्या कर दिया इन्होंने, मैंने क्लेम ही गलत डाला था। फिर उसको मैंने फोन किया तो उन्होंने पैसे मेरे को ज्यादा दे दिए बल्कि, तो इट वर्कड आउट परफेक्ट, काफी अच्छा वो हो गया। लेकिन हाँ ट्रीटमेंट लंबी है क्योंकि सिटिंग्स है, उन्होंने एनेस्थीसिया दिया होता है हमेशा, तो वो नमनेस और सोरनेस टेंडरनेस रहती है नीचे, तो वो मुझे आजकल थोड़ा तंग कर रहा है, तो मैं नट्स इतने शौक से नहीं खा पा रही। लेकिन हाँ मन बहुत है कि हमारा तो सुबह का ब्रेकफास्ट ही होता है नट्स एंड एग्स। और मैं गया डेंटल पे, मैंने पता नहीं शायद वीडियो में बताया कि आई डोंट थिंक सो, मैं पीछे ना पहली बारी लाइफ में पहली बारी मैंने करा है क्लीनिंग, मैं कभी करवाई नहीं क्लीनिंग। तो मैं पहुंचा, मैं एक ही बार डेंटिस्ट पे गया हूँ जब उसने पंगा निकाल दिया था कि ये कुछ जो आपको पता ही है उस पर क्या दोबारा जाना। तो मैं नेहा कहती तू डेंटिस्ट पे जा क्लीनिंग करा, तूने कभी क्लीनिंग नहीं कराई। मैं क्लीनिंग कराने पहुंच गया, उनने एक्सरे उक्सरे सारे करे। मुझे ये था कि यू नो कभी भी इतने सालों में नहीं कराया, कोई थोड़ी सी क्लीनिंग अपना सफाई दांत की होनी चाहिए, तो मैंने इसलिए अपॉइंटमेंट ले ली। जल्दी बिल्कुल हक में नहीं थे सो मैं गया, उन्होंने सारी क्लीनिंग वगैरह, वो कहती कब कराई थी आपने लास्ट, मैं क्या मैं तो कराई नहीं। मैं क्या हमारे तो इंडिया में बंदा डेंटिस्ट में तब जाता है जब दर्द होती है, हम तो जाते नहीं डेंटिस्ट में। तो कहती है वैसे लगता नहीं है कि आपने कभी क्लीनिंग नहीं कराई, बस ऊपर के पीछे के दांत और नीचे के थोड़े से पीछे के दांत में थोड़े से स्टेन है, कॉफी पीते हो। मैं कहा कॉफी तो हमारी जान है, तो कहते हैं बस वो हम साफ कर देते हैं, बट एक सिटिंग और चाहिए, दो सिटिंग में तुम्हारी सारी क्लीनिंग खत्म हो जाएगी एंड यू विल बी ऑन पार। तो मतलब एंड यू हैव डन अ गुड जॉब। मैं क्या गुड जॉब तो हम करते ही है, उसमें क्या बात है, लेकिन आप बोल देते हो कोई नहीं बोलता तो क्या करें। हमने लेकिन सारी कसर कर ली, तो फिर उसने क्लीनिंग वगैरह करी। अब उसने दोबारा बुलाया हुआ अगले हफ्ते फिर से जाना है, फिर मैं सोच रहा हूँ कैंसिल ही कर देता हूँ। वो कहती है कि एक सेटिंग और करा लो, ऊपर के दांत थोड़े से पीछे से मैं जो स्टेन है वो क्लीन कर दूंगी, तो बाकी कैविटी नहीं है। राबदा बड़ा शुक्र बड़ी मेहर की कोई कैविटी। ओहो गलत कप में डाल दी तूने मेरी कॉफी, नहीं नहीं वो तेरे लिए डाली मैंने पहले की ठंडी हो जाएगी। चल कोई नहीं, ये थोड़ा सा ऐसा मुंह छोटा है था, मेरा मुंह बड़ा है इसका मुंह छोटा है। वीडियो को एंड करने का समय आ गया, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। डेंटल पे आप भी अगर नहीं गए तो जाएं और क्लीनिंग करा लें, मैं तो जाता रहता हूँ अब रेगुलर, आपको पता ही है। वी विल टेक केयर ऑफ दैट बिट। थैंक यू, बाय।